हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। हर्षद मेहता नाम के बंदे ने एक बहुत ही बड़ा जो स्टॉक मार्केट में स्कैम किया था, सब बैंकों को लेकर वो सब वगैरह वगैरह, वो जो स्कैम किया था उसी के ऊपर एक वेब सीरीज़ आने वाली है सोनी लिव की तरफ से। तो उसका ट्रेलर आया है आज, तो पहले वो ट्रेलर देख लेते हैं फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। हर्षद शांतिलाल मेहता, बीएससी का बच्चन है। बच्चन हर्षद इज अ हीरो। हर्षद मेहता जो है वो शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो रिस्क है। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती। Hello? It is India's biggest financial scandal. 5,000 crores. Funds kis ke hai? Every single penny belongs to the people of India. Himadri, join directly CBI. Darshan Mehta, take me into custody. Par aapko pata hai mera sabse bada crime kya hai? Ki main Harshad Mehta hoon. देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर है धमाका करने के। ओके, ट्रेलर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ एक्चुअली, क्योंकि इसी स्टोरी के ऊपर अभिषेक बच्चन की एक मूवी आने वाली थी द बिग बुल, वो कहाँ है? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। ट्रेलर की बात करें तो लीड रोल में है प्रतीक गांधी, जो प्रतीक गांधी एक बहुत ही बड़े कलाकार हैं हमारे गुजराती सिनेमा से। मैं गुजरात से हूँ, हमारे गुजराती सिनेमा के बहुत ही बड़े कलाकार हैं। उनकी मूवीज़ मैंने सारी देखी हुई है, जैसे कि लव की भवाई और बे यार मूवी मुझे बहुत ही पसंद है उनकी। तो वो कलाकार तो बहुत ही अच्छे हैं और लग भी बहुत ही अच्छे रहे हैं इसमें हर्षद मेहता के कैरेक्टर में। तो मज़ा आए ऐसी हो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मुझे एक्चुअली एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा है इस वेब सीरीज़ को लेकर, क्योंकि अंदर से एक होता है कि कैसे किया था हर्षद मेहता ने ये सारे स्कैम, किस तरीके से उसने प्लानिंग की थी, वो सब जानने की एक अंदर से हमारे अंदर एक होती है कि हमें भी पता चले कि कैसे उसने ये सब स्कैम किए थे, कैसे प्लानिंग की थी, कैसे बेवकूफ़ बनाया था सभी बैंकों को। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा है, और सही से हमारे सामने रखी जाए तो अच्छा है, वरना वेट करते, 9 अक्टूबर को आने वाली है, फिर उसके बाद ज़्यादा बात करेंगे वेब सीरीज़ देखने के बाद। ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा है ट्रेलर, मज़ा आया देखने में। ओके, बाय बाय।